शहर लखनऊ पहुंच गया है SBS किसके साथ जी? कोई है स्पेशल जिसके साथ आज हम हमारा पूरा दिन बिताएंगे, जिन्हें आप बहुत जल्द शिवाय के नाम से जानने वाले हैं। कैसे हैं आप निशी? फर्स्ट टाइम इन लखनऊ, क्या क्या प्लान है? पहले तो काम है, इश्कबाज जो हमारा शो आज लॉन्च हो रहा है उसको प्रमोट करने आए हैं, एंड लखनऊ में आए हैं तो ऑफ कोर्स खाना खा के जाएंगे, चाट खा के जाएंगे। खाएंगी आप हमारे साथ चाट? जी जरूर। तो आज की शुरुआत तो काम से होगी, लेकिन अंत जो है वो बहुत ही मस्ती वाला होने वाला है, जहाँ क्योंकि पूरे रास्ते ये कह रहे थे कि आपको क्या घूमना है, खाना है, भूल भुलैया भी जाना था ना? हाँ, मैंने सुना यहाँ भूल भुलैया है, मैंने सुना यहाँ बहुत खूबसूरत पार्क्स है, पर मुझे खाना ढेर सारा खाना है, मुझे बहुत सारे कबाब्स खाने हैं, तो आप ले जाएंगी मुझे? जी, तो अभी हम फिलहाल निकलते हैं अपने काम की तरफ, और काम के साथ साथ होगी ढेर सारी मस्ती, क्योंकि आज का पूरा दिन SBS का और नकुल का बीतेगा लखनऊ में। पहले का नाम है रेडियो स्टेशन। चलिए रेडियो स्टेशन जाते हैं। आज हम आ गए हैं लखनऊ में एट दी अंबेडकर पार्क, और आज जो हमारे कैमरामैन है उनको स्पेशल फ्रेम चाहिए था, हाथी के साथ महावत की तस्वीर साथ में चाहिए थी, तो मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। मुझे ये जगह देखकर एक्चुअली फ्रांस की याद आती है। मैं पिछले साल गया था पेरिस, और फ्रांस में एक पैलेस ऑफ वर्सेल है, इतना ही खूबसूरत है, बट ये लखनऊ में देखकर, अपने देश में देखकर बहुत खुशी होती है। यू नो, अपने बैकयार्ड में एक बड़ा गार्डन आने का सोच रहे थे, तो आई थिंक बहुत ही सही टाइम पे मैं यहाँ आया हूँ। आई कैन गेट इंस्पिरेशन, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह ये है। आई थिंक आप एक शो, चर्चित शो ऐसा करते हैं जो लोगों को बहुत पसंद हो, लाइक प्यार का दर्द है, लोग आपको उस किरदार के नाम से जानते हैं टेलीविजन में स्पेशली, तो आप लोग ऑब्वियसली आदि के नाम से जानते हो मुझे, राइट? मेरा असल नाम जानते हो आप लोग? नहीं, कोई नहीं जानता। आदि 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 तो प्यार का दर्द में था। इश्कबाज में नाम क्या है पता है? शिवाय सिंह ओबेरॉय। लखनऊ में हजरत गंज में हम आए हैं रॉयल कैफे, इट्स वेरी वेरी फेमस फॉर द अमेजिंग चाट्स, तो आज हम खाने वाले हैं बास्केट चाट। सब क्या बना के आ रहे हो भाई साहब हमारे लिए? बास्केट चाट बना रहा हूं। क्या ज्यादा है इसमें? इसमें आलू टिक्की है, दही बड़ा है, पापड़ी चाट है, सब मिक्स चाट होती है। बम्बई की चाट से बेटर है, आप खा के देखिए। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग मसाले यहाँ पर ये यूज करने वाले हैं, तो बहुत ही आई थिंक इट्स गोना बी तीखा, मिर्च मसाला सब कुछ होने वाला है। पहली बार मैं लखनऊ आ रहा हूँ, मैंने सुना है खाना बहुत कमाल का है, अब
कितना कमाल का है वो तो मुझे खा के पता लगेगा, है ना। तो अभी देखना पड़ेगा मुझे, तो देखते हैं रवि जी बना रहे हो। बास्केट चाट सीधा जा रही है शिवाय सिंह उब्रॉय के मुंह में। नहीं यार ये कुछ और ही है, मतलब कचौड़ी दही पूड़ी सेव पूड़ी भेल पूड़ी सब मिला के कुछ अलग ही बनाया है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हाँ रवि जी बहुत बहुत ही उंडा बनाई है आपने, बहुत ही कमाल की उंडा चाट है। कभी बम्बई में ऐसी चाट खाई नहीं हमने। ये बास्केट चाट में बहुत अलग अलग किस्म के आलू की टिक्की है, थोड़ा पनीर है, परसान है, इमली की चटनी है, हरी चटनी है, दही है, बूंदी है, मतलब मैं 10 चीजें गिन सकता हूँ उसमें। इट्स लाइक अ कंट्री, बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है। आप मुझे कुछ बता रहे थे इसमें कुछ स्पेशल चीज है, क्या है बताइए। बास्केट चाट खाने के बाद सबसे लास्ट में इसको हाजमोला को खाइए। हाजमोला से क्या होता है? सब हजम हो जाएगा, मतलब मोशन साफ आएगा कल। बिल्कुल कल पीकू नहीं होगा हमारा। नो कल पीकू नहीं होगा हमारा। तो जितनी चाहिए आप बास्केट चाट खा सकते हैं क्योंकि इसमें हाजमोला रखा है भाई साहब ने, हमने बताया नाइस आइटम है। लखनऊ में सैर कर ली, काम कर लिया, खाना खा लिया, सोचा थोड़ी शॉपिंग कर ली, तो आज हम आए हैं। आपकी दुकान का नाम क्या है? अदा चिकन अदा तो एक टेलीविजन एक्ट्रेस भी है, पर हम उनकी दुकान में नहीं है, जदा की दुकान में आए हैं। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या मिलता है। लखनऊ आए हैं, लखनऊ में आम बड़ी अचंभे की बात है, लेकिन आई लव मैंगोज, तो मैं जहाँ भी आम देखता हूँ मैं वहाँ रुक जाता हूँ। तो आज क्योंकि हम आम देखने आए हैं और निशी और मुझे आम दोनों बहुत पसंद है, आज लखनऊ में सब कुछ कर लिया, आम की शॉपिंग भी कर ली, थोड़े दशहरी आम हम घर ले जा रहे हैं। माई मदर एंड फादर बी रियली रियली हैप्पी। तो अगर आपको मैंगो चाहिए कि आम खाना पीना है तो मेरे घर आ जाएगा। ऑलराइट अब जाते हैं कहाँ पता नहीं, जहाँ एबीपी लेके जाएगी। अब बताइए बड़ी फेमस दुकान है ये पान की, और अगर लखनऊ बनारस आए और पान नहीं खाए तो क्या बात है। सर ये चम्मच से पान खा जाता है, ये पान की भेलपुरी है। ये पान की भेलपुरी जी, फर्स्ट टाइम इंडिया। ओके इंडिया में नहीं है सर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया जी। ऑलराइट क्या है इसमें? ये सर ये 25 आइटम मिलाया जाता है इसमें। यार मुझे बताओ ये लखनऊ में हर चीज में 25 आइटम क्यों मिलाया जाता है? मैं वो अलग बिल्कुल हट गया सर इसमें। मैं अभी रॉयल कैफे से चाट खा के आ रहा हूँ, वहाँ भी 25 आइटम मिलाए जा रहे हैं। बाट क्या बाट है, मन करता मैं लखनऊ बनारस में सेटल हो जाऊ, कमाल है। टूड टॉप क्लास। वैसे एक बात बता दूं, लखनऊ बनारस आया और पान नहीं खाया तो क्या बात है ना। वैसे वड़ा पाव की बहुत याद आ रही है। तो आज इस घंटेश्वर पान भंडार में हमने बहुत कुछ सीखा। तो सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं भेल पूड़ी पान से। इसमें 25 डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स होते हैं जिससे बनता है ये भेल पूड़ी पान। उसके बाद हम आपको मिलाएंगे आफत पान से। जब भी आपकी जिंदगी में आफत आए, परेशानी आए, इसे जरूर खाइएगा, इसका नाम है आफत पान। और अब आपको मिलाएंगे हम गोलमाल पान से। इस पान को खा के रोहित शेट्टी ने 3-4 फिल्में बना दी, गोलमाल 1, गोलमाल 2, गोलमाल 3।
और आई थिंक सबसे फेमस जो है वो है आइसक्रीम पान। तो ये इसका बाइट तो मैं अभी लेने वाला हूँ क्योंकि बहुत ही मजेदार लग रही है। क्या स्वाद है भैया। तो ये स्पेशली एबीपी के जर्नलिस्ट है जो निशी जो हमारी बहुत करीब है उनके लिए हम एक नवाबी मीठा पान बनाएंगे। आप लोग देखिए, घंटी बाबा को याद कीजिए और हमारा पान चखिए। घंटेश्वर पान भंडार में मनोज जी हमें खिलाने वाले एक बहुत ही स्पेशल तरीके का पान, उसका नाम है द फायर पान। भाई मैं तो इस बाज हूँ, ये तो रिस्क बाज बना रहे हैं मुझे। रेडी? ओके, भगवान बचा लेना मुझे। ये तो तेरी यार क्या कर रहे हैं यार। ओह माय गॉड, अरे चिल्लाओ यार, प्यार करो मुझे।